नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैंने मेरा अपना ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि लोग जो है हमारा पूरा का पूरा सोसाइटी अलग अलग तरीके के अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं, अलग अलग तरीके के मिथ्स से लेके घिरे हुए हैं इस कोरोना वायरस को लेकर। तो आज दोस्तों मैं आपको 10 पूरे के पूरे 10 ऐसे मिथ्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि ऐसे अंधविश्वासों के बारे में बताऊंगा कोरोना वायरस को लेकर जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। और अगर इन मिथ्स पे भरोसा करने लग गए, अगर इन अंधविश्वासों पर भरोसा करने लग गए, तो हमारा जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। बुरा मत मानना मैं ये कह रहा हूँ, पर यह सच है। हमारे घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, यानी कि बुज़ुर्ग या फिर घर के जो बड़े लोग हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा अंकल आंटी, ऐसे लोग इन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से भरोसा कर लेते हैं आंख बंद कर कर। तो दोस्तों ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाना, उनको ये वीडियो दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में दोस्तों मेरे भाइयों, आप लोग भी ये वीडियो अंत तक पूरा देखना, ताकि आप लोग को भी ये 10 अंधविश्वासों के बारे में पता चले। हाँ दोस्तों, एक और बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप मेरे बातों को आँख मूंद करके यकीन कर लीजिए, आँख मूंद करके आप भरोसा कर लीजिए। ये जो 10 के 10 मिथ्स है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद कहा है। आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट में जाकर आप ये 10 के 10 मिथ्स को चेक कर सकते हैं। मैंने ये पूरे के पूरे पॉइंट्स वहाँ से ही लिया है। तो दोस्तों आप मुझे यकीन मत कीजिए, पर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर यकीन कर सकते हैं। मिथ नंबर 1, यानी कि अंधविश्वास नंबर 1 दोस्तों, ये भारत का, पूरे भारत देश का सबसे बड़ा अंधविश्वास है, जो कि लोग कहते हैं गौमूत्र से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी तरीके से बकवास है। यहाँ तक कि जो हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर शालेंद्र सक्सेना नाम है उनका, वो इंडियन वायरोलॉजिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी है, उन्होंने ये खुद बताया कि गौमूत्र में ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी एंटी बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च के दौरान अभी तक नहीं पाया गया है। तो ये जो गौमूत्र वाला अफवाह है जो कोरोना वायरस ठीक कर सकते हैं गौमूत्र से, ये पूरी तरीके से बकवास है। मिथ नंबर 2, लोग कहते हैं कि अगर हम गर्म पानी से नहाए, यानी कि अगर पूरे हम अच्छा खासा गर्म पानी से नहाए, तो हमारा कोरोना वायरस क्योर हो सकता है, यानी कि ठीक हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल इंसान का एवरेज टेम्परेचर होता है बॉडी का 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अगर हम इससे गर्म पानी से नहाए, यानी कि अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस से भी गर्म पानी से नहाए, तो हमारा पूरा का पूरा शरीर जल सकता है। तो दोस्तों ये एक तरीके का बकवास है जो कि लोग फैला कर रखे कि गर्म पानी से नहाने से ये हमारा कोरोना वायरस ठीक होता है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से झूठ है। मिथ नंबर 3, लोग कह रहे हैं कि हाँ, डॉक्टर्स ने ये प्रेस्क्राइब किया है कि लोगों को उस हैंड सैनिटाइजर से हाथों को साफ करना है जिसमें अल्कोहल हो। तो कुछ लोग क्या कर सोच रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि फिर दारू पीना सही है, या फिर दारू को अपने ऊपर छिड़क ले, अल्कोहल को अपने ऊपर छिड़क ले, या फिर अल्कोहल या फिर क्लोरीन को अपने ऊपर छिड़क ले, जिससे ये वायरस से हम बच सके। दोस्तों ये पूरी तरीके से बकवास है। अगर हम अल्कोहल को अपने ऊपर छिड़के, वो हमारे कपड़े में जा सकते हैं, कपड़े से स्किन के अंदर जा सकते हैं, जो कि हमारे जान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों ऐसा अल्कोहल्स और ऐसे क्लोरीन्स वगैरह अलग अलग केमिकल्स को अपने बॉडी में कभी भी यूज मत करना, इससे कोरोना वायरस कभी भी ठीक नहीं होता है। मिथ नंबर 4, लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस सिर्फ बुजुर्ग लोगों को, जिनका यानी कि 60 या फिर 70 से एज ज़्यादा है, उनको ज़्यादा इफेक्ट होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो कोरोना वायरस है ये हर एज के लोगों को हो सकता है, और हर एज के लोगों को उतना ही खतरनाक है जितना एक बुजुर्ग के लिए ये वायरस खतरनाक है। हाँ, कुछ केसेस में जिन बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम लो है, जैसे कि शुगर के कारण, अस्थमा के कारण, या फिर हार्ट डिजीज से उन्हें, तो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।
बट ये जो कोरोना वायरस है ये सभी एजेस के लिए उतना ही बराबर ही खतरनाक है जितना एक बुजुर्ग के लिए है। तो ये मत सोचिएगा, मन में ये मत रखिएगा कि हम तो जवान है हमें कुछ नहीं होगा ये वो, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये हर किसी के लिए बराबर खतरनाक है। मिथ नंबर 4, और जो कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा चल रहा है, या मेरे मम्मी ने भी यह कहा था थोड़े दिन पहले, कि गार्लिक यानी कि लहसुन ओखोमियात आमी नहरू बोली कब पारो, हम अगर लहसुन को यूज़ करें तो उससे हमारा कोरोना वायरस क्योर हो सकता है, यानी कि कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस लहसुन हाल ये हम मानते हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना है कि लहसुन एक एंटी माइक्रोबियल फूड है, एक एंटी माइक्रोबियल हेल्दी फूड है, बट कोरोना वायरस से ये कभी नहीं लड़ सकता। तो लहसुन अगर आप खा रहे हो कि हमें कोरोना वायरस नहीं होगा ये वो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मिथ नंबर 6, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये मच्छर के काटने से फैलता है, जैसे कि मलेरिया डेंगू ये सब फैलता है मच्छर के काटने से। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस भी कुछ मच्छरों के काटने से फैलता है, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो कोरोना वायरस है ये कोई छींकता है या फिर खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट्स को भी, इन्फेक्टेड आदमी का ड्रॉपलेट्स अगर दूसरे के पास जाके गिरते हैं, दूसरे के माउथ में या फिर नोज़ के थ्रू एंटर करते हैं, तो उनको कोरोना वायरस होने का चांस होता है। ये किसी मच्छर के या फिर किसी भी चीज़ के मच्छर या फिर कोई इंसेक्ट के काटने से ये नहीं होता। मिथ नंबर 7, कुछ लोग अलग अलग मेडिसिंस मुझे व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग मेडिसिंस के बारे में बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि इस मेडिसिन से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है करके। पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक फ़िलहाल अभी तक ऐसा कोई मेडिसिन नहीं निकला है, कोई एंटीडोट नहीं निकला है जिससे ये कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे अफवाहों का विश्वास मत कीजिएगा, और आप ऐसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से कोई भी मेडिसिन या फिर टैबलेट्स पैरासीटामल्स को मत खाइएगा। मिथ नंबर 8, कुछ लोग कह रहे हैं कि चिकन या फिर मीट मच्छी खाने से ये वायरस को फैलने का चांस होता है, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने खुद ये रिसर्च के बाद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च के बाद ये बता दिया कि मीट मच्छी चिकन वगैरह से कोरोना वायरस कभी नहीं फैल सकता है। इनफैक्ट कोरोना वायरस हैज़ नथिंग टू डू विद द चिकन। मिथ नंबर 9, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये हवा में फैलता है, तो इसलिए लोग मास्क वगैरह पहन के इधर से उधर घूम रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हवा और इसका कोई लेना देना है ही नहीं। ये चीज़ कभी हवा में नहीं फैलता, और कोरोना वायरस कभी हवा में फैल ही नहीं सकता। कोरोना वायरस तब फैलता है किसी इन्फेक्टेड आदमी के दूसरे आदमी को टच करने से, या फिर उसके छींकने से, या फिर खांसने से जो ड्रॉपलेट्स है वो इन्फेक्टेड आदमी के ड्रॉपलेट्स किसी और के ऊपर गिरने से, तब जाकर ये वायरस एक दूसरे से दूसरे आदमी तक फैलता है। तो दोस्तों तो मास्क हमने इसलिए नहीं लगाया है कि ताकि हमें हवा से जो वायरस आने वाला है उससे बचे, मास्क हमें इसलिए लगाना है पब्लिक प्लेस में जब हम जाए तो लोगों से बात करते वक्त उनके ड्रॉपलेट्स या फिर क्या पता कोई भी आदमी इन्फेक्टेड हो सकता है, तो उनके ड्रॉपलेट्स या फिर उसके जो मुँह से जो छींकते हैं उनके ड्रॉपलेट्स किसी हमारे ऊपर ना गिरे, इसलिए हमें मास्क पहनना है। मिथ नंबर 10, और सबसे इंटरेस्टिंग, कोरोना मैट्रेस। दोस्तों सोचिए, कुछ लोगों ने अपना बिजनेस को चलने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, ऐसे झूठे अफवाह फैलाने के लिए कुछ ऐसे मैट्रेस बना दिए कि इन मैट्रेस पे अगर हम सोए, इन मैट्रेस को अगर यूज़ करें तो क्या कोरोना हमें नहीं होगा करके। दोस्तों ये सब पूरा बकवास है, ये सब कोई अपना बिजनेस को बस बढ़ावा देने के लिए लेकर आया है। तो दोस्तों ऐसे मैट्रेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट जो उपाय है, अपना हाथों को हमेशा धोते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार बोल रहे हैं, तो हमें उनको सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सच है, कोरोना वायरस ऐसे हवा में नहीं फैलता, कोरोना वायरस एक दूसरे के लोगों के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने से ही फैलता है। तो दोस्तों इसलिए लोगों से ज़्यादा दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहे और हाथों को अपना साफ रखे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, सबको शेयर करें, और जो हमारे घर के बड़े लोग हैं उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि वो भी इस तरीके के अंधविश्वास से बच सके।
तो दोस्तों कोरोना वायरस को ठीक करने का बस यही 3-4 उपाय है। हमें अपना हाथ हमेशा अच्छे से धोते रहना है, या फिर हम बाहर जाए तो हमें अपना हाथों में सैनिटाइजर्स यूज़ करना है, और थर्ड वन इज हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है। तो दोस्तों अभी कुछ दिन आप लोग घर में रहे, घर के अंदर रहे और स्वस्थ रहे।